जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बाद में बनाएंगे, पहले बाबुओं के लिए घर तो बना लें। बुज़दार सरकार ने भी हुकूमती ओहदेदारों और अफसरों को नवाजने का नया तरीका ढूंढ निकाला। बहावलपुर में आला हुकूमती हुकाम की रिहाइश गाहों के लिए मजीद जमीन खरीदने का फैसला। इस मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा, हुकूमती ओहदेदारों पर नवाजिशात की तैयारियां की जा रही है। वैसे तो कहा जाता है कि खजानों में रकम कम है, अब ये फंड्स कहाँ से आए हैं? देखिए, ये सप्लीमेंट्री ग्रांट से जारी किए जाएंगे और इजाफी फंड लेकर जो है ये बावलपुर में जो जियो और वन बनाया गया, वहाँ पे जो सरकारी राजकाय थी, असल में वजीर आला ने गुज़श्ता जो काबीना का इजलास वहाँ पे किया था उसमें बहुत सारे एतराजात सामने आए थे कि वहाँ पे कुछ सरकारी रहायश का इस काबिल नहीं थी कि जहाँ पे आला अहदेदारों को ठहराया जा सके, वहाँ पे ये मामला सामने आए थे। सादगी के दावे तो करती है लेकिन हुकूमत ने वहाँ पर जियो और वन में नई रहायशगाहें बनाएंगे, उसके लिए जमीन खरीदी जाएगी, उसके लिए इजाफी फंड जो है वो जो मंजूरी ली जाएगी और मंजूरी इजाफी फंड की लेने के लिए काबीना का इजलास 15 जनवरी को सुबह 11 बजे तलब भी कर लिया है। और एक तरफ तो इनके पास खजाने में बहुत कम पैसे हैं जो इन्होंने पंजाब को चलाना है, दूसरी तरफ जो है सरकारी राजगाहें सरकारी अहदेदारों के लिए बाबू कृषि के लिए इनके लिए जो है उन्होंने फौरी तौर पर जो है इजाफी फंड लेके उनकी राजगाहों के लिए बनाने के लिए प्लॉट की खरीदारी के लिए जो है वो इजाफी फंड लिए जाएंगे। और ये पैसे जो है तालीम सेहत के मनसूबा जात के लिए जो पैसे रखे गए हैं उसके लिए जो मुंतकिल होने चाहिए थे वहां पर नहीं जाएंगे, अब बल्कि बहावलपुर के जो मनसूबा जात पर लगेंगे। इस हवाले से ऐसे जे डी यू काम का ये कहना है कि जो है इस हवाले से बाकायदा 15 जनवरी को सूबाई काबीना का इजलास तलब किया गया है जिसमें ये मुसद्दा रखा जाएगा, मामला रखा जाएगा और वहाँ से मंजूरी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा इस हवाले से आगाह करने के लिए।